नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर कमांडर समेत दो आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार सुबह पुलवामा में जारी मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। माना जा रहा है कि मारा गया आतंकी लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर हो सकता है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। खबर है कि अब तक आतंकियों के शव बरामद नहीं हो सके हैं। पुलवामा के लारोपारी गांव इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पुलवामा के लारोपारी गांव इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। दरअसल जिले के परिगाम गांव में आतंकवादियों की गतिविधियों से जुड़ी सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार रात इलाके में शुरू हुई मुठभेड़ की जानकारी ट्वीट के जरिए दी थी। सोमवार सुबह तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही। राजौरी में भी आतंकवादी हुआ था ढेर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भी दो सप्ताह पहले मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया था। 5 अगस्त को सेना की राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया था। खास बात है कि इससे पहले कुलगांव जिले में हुई मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 7 अगस्त को ही सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। उस दौरान सुरक्षा बलों ने हिजबुल के एक शीर्ष कमांडर को भी खत्म कर दिया था। पीटीआई भाषा के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि हिजबुल कमांडर मुनीसर हुसैन के शव के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है, जबकि उसके अंगरक्षक का शव बरामद नहीं किया जा सका और वह देवगार सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी LOC की दूसरी ओर चला गया था और फिर गिर पड़ा था। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है उसकी भी मौत हो गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।